नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। दरअसल राजस्थान का रण सज चुका है, तैयार हो चुका है, चारों दिशाओं में नेताओं के बयान गूंज रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं की जुबानी जंग भी तेज होती जा रही और राजस्थान के चुनाव के मैदान की जो तस्वीर है वो रोज दिलचस्प होती जा रही। सियासी दल एक दूसरे पर आरोप का मलबा फेंक रहे। कांग्रेस जहां अपनी खोई हुई जमीन पाने की पूरी कोशिश कर रही, बीजेपी को चौतरफा घेर रही है, तो बीजेपी एक बार फिर से राजस्थान में कमल खिलाने के लिए कांग्रेस के घर की लड़ाई यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो द्वंद्व चल रहा उसको आम पब्लिक के बीच में रख रही। जयपुर में अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला, तो दिल्ली से सचिन पायलट ने राफेल समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर मिसाइल दाग दी। बीजेपी ने कांग्रेस पर डबल अटैक करते हुए कहा कि कांग्रेस खेमों में बटी है, जो खुद खेमों में बटी है वो राजस्थान का विकास कैसे कर सकती है। मतलब बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग इस वक्त चरम पर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आरोप प्रत्यारोप से बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों में से किसकी नैया पार होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको। राजस्थान के चुनावी रण में कांग्रेस बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरे परवान पर है। एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने हैं। जयपुर से दिल्ली तक कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। गहलोत ने प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया, जिसको मैं शासन नहीं कुशासन कहता हूं हमेशा, क्योंकि इतना भारी बहुमत मिला उसी के अनुपात में उनको चिंता होनी चाहिए थी। उन्होंने वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। अमित शाह जी स्पष्ट करें कि आप चेहरा कौन सा, कमल का फूल का चेहरा है या वसुंधरा का चेहरा है। एक तरफ जयपुर में गहलोत बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तो दिल्ली में पायलट ने भी मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी को रफाल, मनरेगा और पीएनबी घोटाला समेत तमाम मुद्दों को गिना गिना कर सचिन पायलट ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। देश की चौकीदारी करने की बात करते थे, आज ये बताने में असमर्थ हैं कि इस देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग, हजारों करोड़ रुपए गबन करने वाले लोग, बैंकों से पैसा लूटने वाले लोग इतनी आसानी से विदेशों में कैसे भागे। वसुंधरा जी की नाक के नीचे उन्होंने भ्रष्टाचार पनपने दिया। ललित मोदी को एक इंग्लैंड की अदालत में एक लिखित एफिडेविट लिखकर दिया कि बहुत सज्जन पुरुष है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी जानी चाहिए। उनके मुख्यमंत्रियों को, उनके वित्त मंत्रियों को बचाने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। कांग्रेस के डबल अटैक पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। प्रकाश जावड़ेकर ने गहलोत और पायलट को आड़े हाथों लिया। जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस के नेता इस कदर दो खेमे में बटे हुए हैं कि एक नेता जब जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो उसी समय दूसरे नेता को दिल्ली में पीसी करनी पड़ती है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और आपस में लड़ाई तेज है। 11:30 बजे जैसे गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया यहाँ, उसी समय सचिन पायलट ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो ये इनकी एकता है। तासा भरा उनका उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और सिर्फ अखबारों में नजर आते हैं ये जनता के बीच में। चूंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट उनको कम लेकर जाते हैं, इसलिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का जरिया उन्होंने प्रेस को बनाया है। चुनावी शोर में आरोपों को लेकर नेता एक दूसरे पर छींटाकशी में जुटे हुए हैं। नेताओं की बयानबाजी के जरिए एक दूसरे को चित करने की कोशिश जाहिर तौर पर सियासी गलियारों की गर्माहट बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल तो ये सच है कि जब कांग्रेस में वाकई में अगर सब कुछ बेहतर होता तो एक ही नेता पीसी करता, एक ही सवाल उठाता, उसके पीछे सारे साथ देते। दो नेता अलग अलग जगहों से पीसी करते हैं, लेकिन बीजेपी भी जिस तरीके से पलटवार करती है वो अंदाज बीजेपी का भी बिल्कुल अटैकिंग होता है और किसी भी तरीके से स्पेस देने के मूड में भारतीय जनता पार्टी ने। इस वक्त हमारे साथ सभी मेहमान हमारे जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ हैं, ज्योति खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गई हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करेंगे। बीजेपी
पलटवार अपने अंदाज में करती है, लेकिन ये सच है कि क्या जो बीजेपी कह रही है कि दोनों नेता अपने अपने पावर को, अपने अपने दम को दिखाने के लिए पीसी करते हैं, एक दिल्ली में बैठकर, एक जयपुर में बैठकर। वाकई में कांग्रेस में सब कुछ जैसा कहा जाता है, जैसा आपके नेता दावा करते हैं कि ठीक है, लेकिन लगता नहीं है। मैं यूं कहना चाहूंगी कि बीजेपी का ये बड़ा ही हास्यास्पद सा जवाब है, क्योंकि अगर अशोक गहलोत जी की पीसी भी अगर आप देखेंगे तो उसमें मुद्दों की बात की गई कि कैसे बीजेपी की राज्य सरकार हर मुद्दे पर फेल नजर आती है, किसी भी ऐसा कहें मुद्दे पर, किसी भी काम पर, जनता के किसी भी मोर्चे पर वो सफल नजर नहीं आती, उसके सारे चुनावी वादे चुनावी जुमले बनते हैं। और आज राजस्थान का चाहे मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, युवा हो, महिला हो, हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग पीड़न का शिकार है, हर वर्ग का त्रस्त है। ज्योति जी, वो तो सही है, ठीक है, अशोक गहलोत ने जो बातें कही है, विपक्ष के तौर पर आप सवाल उठाती है, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, सवाल ये है कि एक नेता नहीं कर सकता था क्या? मैं आप ही के बात का जवाब दे रही हूँ, आप मेरी बात का जवाब सुनिए, आप एक सवाल सीधा बोलिए ना कि एक नेता नहीं कर सकता था क्या? उन्होंने अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग मुद्दे पे किए। अरे तो हमारे पास लीडरशिप है, अच्छी लीडरशिप है, बीजेपी भी सवाल उठा सकती है, लेकिन बीजेपी के पास जवाब देने को नहीं है। उन्हें जवाब देना था तो जो मुद्दे दोनों लीडर्स के द्वारा खड़े किए गए उन मुद्दों पे जवाब देना चाहिए था कि हमने राजस्थान में राजस्थान की जनता को ये राहत दी है, ये लाभ दिया है, ये फायदा पहुंचा है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के पास ऐसा कोई जवाब नहीं। जो चौकीदार बनकर के आए आज वो देश को लूटने में लग गए, और उस बात का जवाब देने के लिए बीजेपी के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं। और जब इनके पास इस तरह की बातों का कोई जवाब नहीं तो केवल और केवल कांग्रेस की एक गलत फहमी को यहां पर वो बार बार कहना चाहते हैं। लेकिन सुनिए सुनिए, सवाल तो उठाएगी बीजेपी, वाकई में जिस बात को लेकर पूरी देश की जनता, पूरी राज्य की जनता जानना चाहती है कि कौन है लीडर जो वाकई में टॉप जा रहा है। ठीक है ठीक है, आपके आपके सवालों का जवाब हम लेते हैं। दरअसल भारद्वाज साहब, जो आपने आरोप लगाया, उन्होंने कहा भाई हमारी लीडरशिप है, एक करे चाहे दो करे पीसी, क्या मतलब है? आप जो सवाल उठा रहे उसका जवाब दीजिए। नहीं, हम तो कम ही उठा रहे हैं सवाल, राजस्थान की जनता इस सवाल को ज्यादा उठा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके ठीक 10 मिनट बाद एक दूसरे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके, वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, अगर आप में सब कुछ सामान्य है तो सबकी जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, ये क्या है कि ये राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से बाद में लड़ेंगे, पहले अपने अपने सेटलमेंट में है, ये आपस में लड़ लड़के ये राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करने का सपना खो चुके हैं। राजस्थान की जनता इनको हर मोर्चे पर देख चुकी है। और देखिए बड़ी बात क्या है, एक कोई दूसरा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और एक पूर्व मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसमें अंतर होता है। जब आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो सरकार पर आरोप लगाने से पहले या सरकार को कटघरे में खड़े करने से पहले आप अपनी सरकार की बातों को बताते हैं कि मैंने अपनी सरकार में रहते हुए ये सब किया। आप ये बताइए कि आपने क्या किया। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अपनी सरकार का जिक्र इसलिए नहीं करते क्योंकि राजस्थान उस काले अध्याय को भूला नहीं है जो अशोक गहलोत के राज में पनपा हुआ था। ये स्थिति नहीं है, ठीक है भारद्वाज साहब, यही बात मुझे समझ में नहीं आती कि राजनीति में हो क्या गया है। शब्द नहीं सुनना चाहते भारद्वाज साहब, जब सवाल किसी पार्टी से पूछा जाता है जो रूलिंग पार्टी है वो पिछले कार्यकाल का बता देती है कि आपकी वजह वक्त में क्या हुआ था। दरअसल जो सत्ता में उससे सवाल तो पूछा जाएगा, अगर कांग्रेस सवाल पूछती है तो आरोप लगाने के बजाय कि आपके मुख्यमंत्री काल में क्या हुआ था, सर बताइए जवाब। सवाल पूछे, मैंने कहा अगर कोई और नेता प्रवक्ता करता तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर कर रहा है तो उसे बताना पड़ेगा कि मैंने अपने शासनकाल में राजस्थान की जनता के लिए सब किया, और अगर ये सरकार नहीं कर रही है तो बताते, लेकिन उनके पूरे कार्यकाल में एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है जो राजस्थान की जनता के सामने रख सके, जनता के सामने रख सके। अशोक गहलोत साहब केवल पत्रकार में रहने के लिए, केवल इसलिए क्योंकि सचिन पायलट उनको पूछते नहीं है, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी उनको पूछती नहीं है, इसलिए केवल चर्चा में रहने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। और इसके अलावा अशोक गहलोत साहब, अशोक गहलोत साहब को बार बार चर्चाओं में रहने के लिए ये सब करना पड़ता है, लेकिन अशोक गहलोत साहब बार बार ये भूल जाते हैं कि राजस्थान की जनता है जिसने उनको देखा है, उनके कार्यकाल को देखा है, और उनके कार्यकाल में उनके जो कारनामे किए उसकी सजा राजस्थान की जनता ने उनको दी है, उसको राजस्थान की जनता भी भूली नहीं है। चलिए ठीक है शर्मा जी, कांग्रेस के दो नेता एक साथ पीसी करते हैं 10 मिनट के अंतर में, बवाल किस बात का हो जाता है? क्या ये उल्टा हो गया कि जो केंद्र की जिम्मेदारी अशोक गहलोत के कंधों पर, अगर वो वहां पर बैठकर पीसी करते और सचिन पायलट अगर जयपुर से करते तो सब कुछ सही होता? क्या ये उल्टा हो गया, फिर से ये कहा जा रहा कि अशोक गहलोत अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए पीसी करने पहुंच गए? देखिए संजय जी, ये बात सही है
कांग्रेस राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है, उस नाते से उनका वर्चस्व है, लेकिन एक ही दिन दो पीसी होना अपने आप में सवाल विवादित स्थिति कर देता है। आज मैं अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, तो वहां पर उनसे ये पूछा गया कि करोड़पति की सीट का उम्मीदवार कौन होगा, तो वो पलट बार कर गए एकदम से, कहने लगे समय बताएगा। लेकिन एक चीज वो देखिए, आप वो रानी राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, तो सीधे सीधे तौर पर एक चीज कह गए कि अमित शाह बताएं अब कि हमारे यहाँ तो चेहरे का विवाद, कहते हैं विवाद है, दो चेहरे हैं सारे, लेकिन आज वसुंधरा जी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ने के बजाय कमल की फूल पे अगर चुनाव लड़ने की बात अमित शाह करते हैं, तो वो स्पष्ट करें कि उनका चेहरा वसुंधरा जी है या कमल का फूल है। तो वो बड़ी चतुराई से, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे यहाँ भी विवाद तो है, पहले से भी बरकरार है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से दोनों ही नेताओं को चुप रहने की बात कही, उसके बाद कुछ बदलाव तो आया नहीं, लेकिन बिल्कुल सही शर्मा जी, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन सवाल इसी बात का है ना, पब्लिक भी भ्रमित है। हमारे जो सहयोगी हैं इस वक्त पूरे राजस्थान में घूम रहे कि भाई वो पायलट की भी फैन फॉलोइंग है, अशोक गहलोत जी की भी है। सवाल ये है कि किसके चेहरे को समझ के आम पब्लिक उस रुख की तरफ, उस हवा की तरफ जाए, क्योंकि एक बार ऐसा होता है कि सचिन पायलट वाकई में डोमिनेट होते हैं, लेकिन उसी के कुछ देर बाद या तो ट्वीट करके या पीसी करके या किसी भी तरीके से अशोक गहलोत भी आ जाते हैं, फिर वही सवाल हो जाता है कि ऐसा नहीं कि दोनों नेताओं को पता है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो एक मौका है, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। संजय जी, राहुल गांधी, देखिए संजय जी, क्योंकि राहुल गांधी फिर दौरे पर आ रहे हैं दो दिवसीय पर, ठीक है, और राहुल गांधी पहले भी आए थे दौरे पर, तो उन्होंने कोशिश की थी कि दोनों नेताओं को हाथ मिलवाया, एक साथ खड़ा किया और कहा कि देखिए क्या कि मैंने देखा भरतपुर में जो इस प्रकार से सभा के अंदर पायलट चला रहे थे मोटरसाइकिल और अशोक गहलोत बैठे थे पीछे, तो उन्होंने कहा कि अब एकता हो गई है और कांग्रेस आ गई है प्रदेश में। तो ये बातें अगर राहुल गांधी के मुंह से बोलना, अब राहुल गांधी फिर आ रहे हैं सीकर और कोटा आ रहे हैं, वो क्या किस तरह का, क्योंकि दो जगह पीसी होना विवादित विषय है। विवादित तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय स्तर के नेता भड़वा साहब, दरअसल अशोक गहलोत ने भी एक सवाल उठाया था, अभी शर्मा जी ने भी उठा दिया, उसी सवाल को दोहरा दिया इन्होंने। अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस को लेकर आप लोग सवाल तो उठाते हैं कि गहलोत या पायलट, लेकिन सर अमित शाह की बात को लेकर समझ में नहीं आती बात, क्या वसुंधरा राजे के फेस पर अगर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, कमल के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा, तो ऐसा संभव है क्या कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद कोई और भी मुख्यमंत्री बन जाए? इस बात को भी क्लियर क्यों किया नहीं किया जाता, क्या किसी के वजूद को कम करने की कोशिश है क्या? खुलकर बोलिए। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने खुद और जो हमारे राष्ट्रीय प्रतिनिधि जो राजस्थान में है उन्होंने सबने ये घोषित किया है बाकायदा कि राजस्थान की वर्तमान और भावी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया होंगी। हमें हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो गहलोत साहब का बयान है वो केवल इस बात को लेकर है कि कैसे भी प्रेशर में आके राहुल गांधी उनका नाम आगे कर दें। सचिन पायलट और उनके बीच की जो आपस की तनातनी है उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को अल्टीमेटली उठाना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान की जनता इन दोनों लोगों को देख चुकी है। इन दोनों लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हुई है उसमें जिस तरह के मुद्दे उठाए गए हैं, सचिन पायलट ने जो इश्यू उठाए हैं, उन्होंने आर्थिक आतंकवाद का जिक्र किया, तो वो ये बताना भूल गए कि ये जो भाग गए तो पकड़ में आ जाएंगे वापस, लेकिन इन लोगों से मिलकर देश का पैसा गबन किस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। सचिन पायलट उस सरकार के सरकार ने इन लोगों को पैसा दिया, जनता का पैसा, और उनका कमीशन खाया। सर ये चार पांच घोड़े वापस आ जाएंगे क्या? पायलट उस सरकार के मंत्री थे। अरे हमें ये बताइए सर, अभी आपने जवाब दिया कि वो तो वापस आ जाएंगे क्या? चार पांच महीना, छह महीना वक्त बचा है आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वापस आ जाएंगे पांच छह नाम जो है। चोर की नानी बहुत दिन खेलनी मनाती, चोर की नानी बहुत देर खेलनी मनाती। बता दीजिए सर, आम जनता आपके आपके जो डरकर भागे हैं बीजेपी के कमल पे वोट दे देगी। सरकार में वही लोग मौज कर रहे थे, ऐसा होगा तो इनकी सरकार में वही लोग मौज कर रहे थे क्योंकि इन लोगों ने उनके साथ मिलकर देश का पैसा खाया, इसलिए। और सचिन पायलट उस सरकार के मंत्री थे जिस सरकार ने इन लोगों को बैंकों का पैसा दिया और इनके पैसे डूबने के बाद फिर पैसा दिया, उस सरकार के मंत्री सचिन पायलट थे, क्योंकि इन लोगों ने लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी कमीशन खाकर। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी ये बताइए कि किसने पैसा दिया किसने नहीं पैसा दिया ये जनता जान चुकी है, लेकिन ये बताइए कि सत्ता में आप है क्या इतना असंभव है उन सभी को लाना देश के भीतर, कि पूरे देश की जनता चाहती है, सब कुछ एकदम हर रोज खबरों में होता है, उसके बावजूद अब तक वो आराम से बाहर बैठकर एंजॉय कर रहे लाइफ को भारत का पैसा लूटकर।
और आप कहते हैं कि वो आ जाएंगे, इतना आसान है क्या? सचिन पायलट ने जिनका जिक्र किया वो तो 2010 में भागे, वो तो 2010 में देश छोड़ के भागे। उस वक्त तो सचिन पायलट भारत सरकार में मंत्री थे और अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। सर आप मंगा लीजिए ना, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, मान गए, लेकिन आप सर मंगा लीजिए, आप सत्ता में हैं। तब ललित मोदी देश छोड़ के भागे, सत्ता में हैं, ये वादे भी किए गए थे जो भगोड़े उनको वापस लाया जाएगा। सर क्यों नहीं आते अब तक? इसका मतलब मान ले, हमसे आम जनता मान ले कि नहीं आने वाले वो वापस, लोगों को वापस लाने के लिए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए जितने कदम उठाए उसका 10% भी अगर कांग्रेस पार्टी उठा लेती तो ये लोग रियासत सर आए नहीं, जेलों में होते कांग्रेस के साथ, आए नहीं वापस। कदम उठाने का क्या मतलब होता, जब आए नहीं तो हमारे लिए वही बराबर है, नहीं आए तो हमारे लिए वही बराबर है कि बाहर बैठे आलीशान जिंदगी जी रहे। बहरहाल खंडेलवाल जी, सरकार गई आपकी, खंडेलवाल जी अब ये बताइए, बची नहीं है, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए खंडेलवाल जी, कांग्रेस बीजेपी तो कह रही कि जितने आपने आपके नेताओं ने आरोप लगाए बेबुनियाद हैं। राजेंद्र सिंह राठौड़ पीसी कहते हैं उनका कोई आधार ही नहीं जिन बातों के बारे में बोल रहे हैं। किसानों के लिए हमने किया, आम जनता के लिए हमने किया, 5 साल में वो काम किया जो 50 साल में नहीं हुआ। आपकी मेहुल चौकसे कैसे भागे, नीरव मोदी कैसे भागे, ललित छोड़िए राज्य की बात कर लेते हैं, आप बताओ कैसे भागे, ज्योति खंडेलवाल कैसे भागे, छोड़िए देश की बात, देश की बात बाद में करेंगे, कैसे भागे ललित मोदी कैसे भागे, ज्योति खंडेलवाल जी नीरव मोदी के साथ राहुल गांधी के क्या संबंध है आप बताओ, आप माल्या के साथ आपकी पार्टी के क्या संबंध है बताइए, आप माल्या के साथ आपकी पार्टी के क्या संबंध है, आपने देश के बैंकों का पैसा उनको कैसे दिया, देश के बैंकों का पैसा आपने उनको कैसे दिया, देश के बैंकों का पैसा आपने माल्या को कैसे दिया, देश के बैंकों का पैसा आपने नीरव मोदी को कैसे दिया, वो बताइए आप, बिल्कुल सुनेंगे तो जरूर बताऊंगी, सुनिएगा आप। अच्छा ज्योति जी ये बताइए, ज्योति जी आप चुप हो जाइए, आप लोग सुनने का पेशेंस होना चाहिए, बहस को आगे बढ़ाते हैं, डिबेट को, ज्योति जी ये बताइए, राज्य पे आते हैं ना, वापस आते हैं, ये बताइए बीजेपी तो कह रही है जितने आपने अशोक गहलोत ने सवाल उठाए, सचिन पायलट ने उठाए, कोई मतलब नहीं उनका है, मुद्दा नहीं है, सिर्फ आप ही की बातों घुमा रही हैं, किसानों के लिए हमने किया, व्यापारियों के लिए किया, आम जनता के लिए किया, 5 साल में जनता खुश है, अगली बार फिर आएंगे, मुद्दा नहीं, सब बेबुनियाद है। मैं यही तो आपको कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो जवाब जो बीजेपी की ओर से दिए गए वो ये देने जाने चाहिए थे, जो नहीं दिए गए उनको बताना चाहिए था, ये आरोप इस तरीके से निराधार है, जो एफिडेविट दिए गए हैं वो गलत है, आप गलत प्रूफ लेकर के आ रहे हो, जिस तरीके से आपने विजय माल्या को भगाने के लिए परमिशन दी है, एफिडेविट दिया है मुख्यमंत्रियों ने, जिस तरीके से आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट में, अरे चुप तो रहिए माधवाजी, आप हर बार बीच में बोल रहे हैं, सुनने की कोशिश करिए, चले ठीक है भरद्वाज जी आएंगे, आप सुन लीजिए एक बार, मैं भी चाहूंगा सुन लीजिए, बड़े शालीन तरीके से हम अगर डिबेट करें तो और मजा आएगा, भरद्वाज साहब सुन लीजिए, उसके बाद भरपूर मौका आपको भी देंगे, ज्योति जी कंटिन्यू, बिल्कुल दीजिएगा, मैं मना नहीं कर रही उनको, बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगी, उनको यही जवाब देना चाहिए था कि गलत एफिडेविट लाया गया है, ये गलत तथ्य पेश किए गए हैं, ये गलत बैंक डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं, ये गलत फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो शिकायत पहुंची थी ये गलत पहुंची गई है, गलत तथ्य पेश किए गए, बिल्कुल जवाब देना चाहिए था उनको, बिल्कुल जवाब देना चाहिए था कि हमारी राज्य सरकार ने ये काम किए हैं, इनका लाभ मिला है, जनता आज बड़ी खुश है, ये वर्ग बड़ा खुश है, अगर ये जवाब देते तो निश्चित रूप से हमको भी बड़ी संतुष्टि मिलती, लेकिन चूंकि उनके पास ये जवाब नहीं थे, जवाब नहीं तो पलटवार करेंगे, पिछले का 5 साल के पहले चले जाएंगे, इतिहास में चले जाएंगे कि आपने क्या किया, यूं कहे जिनके पास अपना, ये मेरा नहीं कांग्रेस का कहना, बनाने में उनको 2-3 महीने लग जाते हैं, मुझे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, और जहाँ तक मुझे अपना सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस की सरकार सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, गहलोत की सरकार नहीं बनेगी, पायलट की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमारे यहाँ मोदी सरकार नहीं बनती है, आपके यहाँ तो परमानेंट गांधी की सरकार है, परमानेंट गांधी नेहरू परिवार की सरकार है, परमानेंट गांधी नेहरू परिवार की सरकार है, हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है, ठीक है ज्योति जी समझ गए, समझ गए, अब वक्त है भरद्वाज साहब का, फिर जाएंगे शर्मा जी के पास, ज्योति जी हो गया, ज्योति जी हो गया, भरद्वाज साहब आपका वक्त है, हम अपने 5 साल के काम गिना सकते हैं, जयपुर शहर में गिना सकते हैं, मैं गिनाता हूँ ज्योति जी गिनाता हूँ अरे ज्योति जी जवाब तो ले ले, हो गया हो गया, ज्योति जी जवाब तो ले ले, चुप हो जाइए, आपके पास फिर आएंगे हम, हो गया ज्योति जी, हो गया हो गया, ठीक है भरद्वाज साहब बोलिए, हो गया भरद्वाज साहब बोलिए, आप बोलिए, आपका समय शुरू है, हमें कोशिश करिएगा, ज्योति जी वक्त बर्बाद हो रहा है, आपकी बातें हम समझ गए, ज्योति जी आप समझदार नेता है, आप समझदार नेता है, थोड़ी शांत हो जाइए, सुन तो ले जवाब, कुछ कर पाओ।
ज्योति जी आप मेयर रह चुकी है मुझे पता है और समझदार नेताओं में गिनी जाती है इसलिए चुप करवा रहा हूँ। कम से कम उनको सुन तो ले। ज्योति जी सुन लीजिए सुन लीजिए। अरे ज्योति सर सुनते ना आपको। अरे भारद्वाज साहब बोलिए। मुझे पता है आपको डर लग रहा है। चलिए ठीक है दोनों को मौका नहीं देंगे फिलहाल। शर्मा जी आपके पास आते हैं, दोनों को मौका नहीं देंगे। शर्मा जी आपके पास आते हैं, ये बताइए। अशोक गहलोत साहब, अरे सुनिए, श्याम सुंदर शर्मा जी, ज्योति जरा सुनिए सुनिए। अरे अरे शांत हो जाइए भाई, आप शांत तो रहो। ज्योति जी, अरे ज्योति जी आपसे ये उम्मीद नहीं है, आप पढ़ी लिखी और ज्योति जरा अच्छी नेता समझदार नेता कही जाती है, इसीलिए शांत रहिए थोड़ा, जवाब दूसरे से भी ले लें। शर्मा जी ये बताइए कि आज तक आपने राज्य की राजनीति को कई दशक से देखा, ये बताइए कि ऐसे हालात थे क्या कभी जो इस वक्त बने हैं राजनीति में? सवाल पूछो दूसरे पर आरोप। एक सेकंड मुझे जवाब देना। अरे मैं दूंगा, भगवान साहब आऊंगा आपके पास, मुझे 10 सेकंड का जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल 10 सेकंड दूंगा, एक मिनट उनसे सवाल, इसके बाद चलते हैं आपके पास का, बहुत कम समय दिया इनको। शर्मा जी, राज्य की राजनीति में ऐसा वक्त आपने देखा है क्या? जी शर्मा जी, मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से इस वक्त हालात हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे प्रदेश में, सवाल पूछे तो एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, हावी हो जाते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते, ऐसे हालात इसके पहले थे क्या? और यही चीज वाकई में है, एक तरफ पीसी होती है, दूसरा पलटवार होता है, जवाब किसी के पास से नहीं मिलता, आम जनता क्या समझे? देखिए संजय जी, पहले स्थितियां ऐसी थी नहीं। पहले मैंने देखिएगा, जब 98 में जब अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बने थे, ठीक है, जब ये खुद भी विधायक नहीं थे और यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष थे परशुराम मधेना, उनका नंबर आ रहा था, लेकिन उस वक्त किस प्रकार से उन्होंने कहा और ये बन गए थे। आज हालात अलग तरह के बदल गए, क्योंकि सचिन पायलट ने 5 साल यहाँ प्रदेश अध्यक्षगिरी की है और मुख्यमंत्री यहाँ इसलिए अब ताकतवर हो गए क्योंकि वो राष्ट्रीय महामंत्री बन गए वहां जाकर के। तो आज हालात अलग तरह के हो गए, बिल्कुल हालात अलग तरह के हो गए। गहलोत के पास ज्यादा, ठीक है समझ गए सर, समझ गए। पंजाब जी 20 सेकंड आपके पास इस वक्त है, ये बताइए तू तू मैं से कुछ निकलने वाला है क्या? जीत इसी से मिलेगी? एक दूसरे की कमियां गिनाएंगे या विकास के मुद्दे भी बताएंगे? देखिए हम तो विकास के मुद्दे पे डिबेट करना चाहते हैं, जिस वक्त आप करना बुलाना चाहेंगे उसी वक्त बुलाएंगे। आप 1 घंटे की डिबेट कराएं, 2 घंटे की डिबेट कराएं, विकास के मुद्दे पर चाहे जब डिबेट करने को तैयार तो है। आज की पीसी का मतलब नहीं समझ में आया सर, लेकिन आज राठौड़ साहब की पीसी का मतलब समझ में नहीं आया क्योंकि जो सवाल पूछे गए उसका जवाब के बजाय पलटवार किया गया। ज्योति खंडेलवाल ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उनको काम नहीं करने दिया। अशोक गहलोत साहब के मुख्यमंत्री रहते हुए खुद ज्योति खंडेलवाल ने उनके ऊपर आरोप लगाए, हमने नहीं, खुद ज्योति खंडेलवाल ने उनके ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने उनको काम नहीं करने दिया। चलिए ठीक है ज्योति जी 20 सेकंड आपके पास है, भारद्वाज साहब समय खत्म। ज्योति जी 20 सेकंड आपके पास, तू तू मैं से कोई हल निकलेगा क्या? सत्ता की सीढ़ी इसी से होकर जाएगी क्या? मैं तो यही कहना चाहूंगी, 20 सेकंड, बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगी, बिल्कुल यही कहना चाहूंगी, 22 सीट नहीं आएगी, 20 सेकंड का समय आप छीनना चाहते हैं छीन लीजिए, आपके पास वैसे भी ज्यादा समय बचा नहीं है भगवान जी, उतनी सीट आएगी, मैं यही कहना चाहूंगी कि विकास के मुद्दे में 10-20 सेकंड जो नहीं बोल पाए। बिल्कुल शर्मा जी 20 सेकंड आपको भी हम देते हैं। शर्मा जी 10 सेकंड आपके पास, मैं से हल है क्या? तू मैं से जनता का भला होगा क्या? देखिए तू मैंने से होना तो कुछ नहीं है, आपसे विवाद का विषय बनेगा और कंट्रोवर्सी इसलिए बनाना चाहते हैं कि दो नेता होंगे। देखिए बीजेपी भी कंट्रोवर्सी रखना चाहती है और ये गहलोत भी वसुंधरा को कंट्रोवर्सी में रखना चाहते हैं, दोनों को फायदा राजनीतिक तौर पे कैसे मिले ये दोनों तरफ से। चलिए ठीक है समझ गए। फिलहाल आज जो दिन भर हमने जनता सवाल पूछा है क्या आरोप प्रत्यारोप से पार हो पाएगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नैया, आपको बता दें कि
इसमें जो आम जनता का रिएक्शन है वो 26% लोगों ने कहा है हाँ इन चीजों से हो सकता है कि सत्ता मिल जाए, लेकिन 74% लोगों ने कहा है नहीं इससे आम जनता का नुकसान होता है। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों एक ही नैया में सवार है और दोनों एक पीसी करके सवाल पूछा जाता है, दूसरा उसका जवाब देने की बजाय सीधे तौर पर पिछले सरकारों में क्या कुछ हुआ ये गिनाने लगती है। और ऐसे में फिर वही सवाल कि विकास के मुद्दे कहाँ हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल के क्या वाकई में सत्ता पाई जा सकती है, हथियाई जा सकती है? अगर ऐसा होगा तो फिर आम जनता कहाँ जाएगी जो वोट देकर आपको चुनाव जिताएगी? फिलहाल आज न्यूज़ एंड व्यूज़ में इतना ही।